हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल. इट्स वुमेन्स टॉक और आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि होली इज अराउंड द कॉर्नर, आने ही वाली है. एंड बीइंग अ इंडियन, बहुत हमारे यहाँ पर इस फेस्टिवल को बहुत ही ज़्यादा खुशी से, बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ मनाया जाता है. और यस, सब लोग एक्साइटेड होते हैं, जैसे कि मुझे भी होली खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है. कभी कभार क्या होता है कि हम होली खेलने में इतने मग्न हो जाते हैं, उसकी तैयारियों में इतने मग्न हो जाते हैं कि हम छोटी सी जो चीज़ें होते हैं वो हम मिस कर देते हैं. तो जो आज का मेरा टॉपिक है बेसिकली वो यही है. कुछ टिप्स हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ. होली स्पेशल वीडियो इट इज़ बेसिकली. और मैं आप लोगों के साथ कुछ जो टिप्स शेयर करूँगी, इट्स रिलेटेड टू स्किन केयर, हेल्थ केयर और घर से रिलेटेड, मतलब छोटे जो जो मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. तो प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक बने रहें. आई होप आपके लिए थोड़ा भी यूज़फुल होगा ये वीडियो, अगर है तो, और शेयर भी करें इस वीडियो को आगे. तो शुरुआत करते हैं. आजकल मतलब होली खेलना, पहले ऐसा होता था कि घर में खेल लेते थे होली, कुछ फ्रेंड्स मिले गली में खेल लिए. आजकल होली इज लाइक कि होली क्या, हमारे जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं आजकल ना, उनको मनाने का जो तरीका है वो बिल्कुल चेंज हो गया है. पार्टीज थ्रो करते हैं, कम्युनिटीज़ जो होती हैं वहाँ जा कर के, वहाँ पार्टीज़ होती है सबको. तो होली भी उसी तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है. पहले हम ढूंढते थे कि नया कुछ पुराना कपड़ा होगा ना, हम वो पहनेंगे, अदरवाइज़ नया कपड़ा हमारा ख़राब हो जाएगा. हम ऐसे सोचते थे पहले होली खेलते हैं. अभी लोग यू नो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं पहले से कि अरे भाई होली आ रही है, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे. तो यस, बहुत बकर कर लिया. मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वही कुछ बातें कि क्या हमें ध्यान में रखना है. तो पहली बात, मैंने ऐसा कोई डिटेल में इस तरह से टिप्स बना करके मैंने वीडियो नहीं किया है. मैं काउंटिंग से बताते जा रही हूँ आपको कि क्या 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 चीज़ें करना है. मैंने कहीं जॉट डाउन नहीं किया है, बट जो जो मुझे मैं करती हूँ फॉलो, जो जो मुझे याद आ रहा है, जो जो मुझे यूज़फुल लगता है, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है, जब आप होली खेलने जाएँ कभी भी कपड़े हाफ स्लीव्स या स्लीवलेस नहीं पहने, कपड़े फुल स्लीव्स पहने. फुल स्लीव्स पहनने से ये होता है कि कलर जो है, मेरी बेटी पीछे आकर के बैठ गई है, तो जो कलर्स है वो आपके बॉडी पर बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं लगेगा. दूसरा, जो कपड़ा आप पहन रहे हैं वो पतला ना पहने, मोटा कपड़ा पहने. मोटा कपड़ा पहनेंगे तो आपकी बॉडी पर डायरेक्टली जो रंग है वो नहीं जाएगा. दो हो गए पॉइंट. तीसरा पॉइंट है कि आपकी बॉडी पर अगर आप बहुत ज़्यादा रंग खेलने के शौकीन हैं तो अच्छे तरीके से ऑयल आप मसाज कर लें, इधर कोकोनट और ऑलिव ऑयल. अगर नहीं है, अगर आपको ऑयल अच्छा नहीं लगता है, तो जो आप मॉइस्चराइजर होते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, आप अच्छे से कोटिंग कर लें उसकी. थ्री फोर्थ, आपके फेस पर आप अच्छे तरीके से लोशन वगैरह या ऑयल वगैरह लगा करके जाएं. अगर आपको बहुत ज़्यादा फोटोज़ का, ऐसा नहीं कि मेरा फोटो ख़राब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आप ऑयल लगाएं, आई वुड सजेस्ट. बट अगर आपको लगता है कि नहीं, फ़ोटो ग्रीसी नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए, तो आप ऑयल वगैरह लगाकर आप सन ब्लॉक वगैरह लगा लें. उससे क्या होगा कि एक्स्ट्रा ऑयल हट जाएगा और आपकी स्किन पर जो चमक है वो भी बनी रहेगी. ऐसा करने से ये होता है कि जो कलर है, हमें नहीं पता कि कौन कैसा कलर यूज़ कर रहा है. यू कांट गो एंड से कि मुझे ऑर्गेनिक कलर्स लगाओ, राइट? और आजकल आपको पता भी नहीं है कि ऑर्गेनिक कलर बोल दे तो वो ऑर्गेनिक ही होगा. कलर इज कलर, वो चाहे कैसा भी कलर हो. तो वो डायरेक्ट आपकी बॉडी पर नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, तो आपको रिएक्शंस नहीं होंगे ज़्यादा. ये हो गया. पांचवी बात ये है कि अगर होली है, आजकल तो लड़के भी बहुत ज़्यादा पार्लर वगैरह जाते हैं, ये सबके लिए ही है. फिफ्थ, कि होली के कम से कम एक वीक पहले आप आईब्रोज हो गया, फेशियल हो गया, वैक्स हो गया, इस तरह का कुछ भी ब्यूटी ट्रीटमेंट ना लें. उसको लेने से क्या होता है, सपोज फेस पर आप फेशियल कराते हैं तो जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं. तो अगर वो फ्रेश अगर आपका होगा फेस, तो जो कलर्स हैं अंदर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे और आपको फिर पिंपल्स और स्पॉट्स वगैरह चीज़ें होने की प्रॉब्लम हो जाएगी. तो यस, कभी भी कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स लाइक पार्लर वाला काम ना करें होली से पहले. ये बालों को अगर आपने धोया है तो होली से कम 3 से 4 दिन पहले अगर शैम्पू किया है तो इंस्टेंट शैम्पू ना करें.
उसका रीजन ये है कि जो हमारा बाल है, मैं तो अभी भी ऑयली लगाई हुई हूँ बालों में, हमारा जो जो स्कैल्प होता है, आप देखोगे आज जैसे कि शैम्पू करेंगे आप, और 2 से 3 दिन में आपका जो स्कैल्प है, इससे जो नेचुरल जो ऑयल होता है वो रिलीज होना स्टार्ट होता है। तो अगर वो ऑयल आपके बालों में रहेगा तो वो एक लेयर बना लेगा आप स्कैल्प से, और कलर डायरेक्टली अंदर नहीं जाएगा, आपके बाल डैमेज नहीं होंगे। और होली खेलने से पहले भी बालों में भी अच्छे तरीके से ऑयल लगाए, मतलब टॉप टू बॉटम आपको ऑयल में नहा लेना है होली खेलने से पहले। और यस, जब आप होली खेल लेंगे तो अच्छे तरीके से जो होम मेड स्पा होता है आप वो करें, उससे आपके बालों से जो कलर है एक्स्ट्रा वो भी निकल जाएगा, एंड आपके बाल ग्लो भी करेंगे, डैमेज ड्राई नहीं होंगे। वो आप कैसे बनाएंगे कि दही, नॉर्मल प्लेन दही भी यूज कर सकते हैं, अंडा यूज कर रहे हैं अंडा लगा लें, दही में शहद मिला लें वो भी कर सकते हैं। इस तरीके से छोटी छोटी चीजें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, सो यू कैन चेक देम। उसके बाद ये जो हमारे नेल्स हैं इनमें कलर्स बहुत घुस जाता है, ये ज्वेलरी वगैरह जो होती है इन सब में कलर लग जाता है बहुत। तो सबसे पहले मैं नेल्स का बताऊंगी, सिक्स्थ, कि जो नेल्स होते हैं उन पर पेंट जरूर लगाएं, जरूर। जैसे कि आपको पता है मेहंदी हम जब लगाते हैं, जो हमको टिप लगाने होते हैं, तो बोलते हैं पहले नेल पेंट लगा लें, उससे क्या होगा कि जो मेहंदी का कलर है आपके नेल्स पर नहीं आएगा, वो बहुत गंदा दिखता है क्योंकि। तो ऐसे ही सेम होली में, तो होली खेलने से पहले अपने हाथ पर नेल पेंट लगा लें उस, और अंदर बाहर दोनों साइड, जिससे कि आपके नेल्स खराब ना हो। होली में 7 टिप्स, टिप होली में बहुत लोग होते हैं, जोश जोश में हमको पता नहीं चलता, हम कभी आराम से खेल रहे हैं, कभी हम किसी ग्रुप में भीड़ में घुस गए, तो जो आप जितनी भी ज्वेलरी पहन रहे हैं उसे पहन करके ना जाएं। अगर कुछ भी गायब हुआ तो आपका होली का जो सारा मजा है वो तो धरा का धरा रह जाना है, उल्टा आप सब लोग ढूंढने लग जाओगे कि कहाँ मेरा क्या गिर गया। तो ज्वेलरी नहीं पहन करके जाएं, नहीं मतलब नहीं पहन करके जाएं। होली में बहुत अच्छा चलन होता है हमारे इंडिया में भांग पीने का। तो अगर आपको नहीं पीना है बट अगर कोई जबरदस्ती पिला दे रहा है आपको, तो उसके लिए घर से प्रिपेयर होकर के जाएं, ये कि खट्टा पहले से कुछ खा करके जाएं। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उससे मेरे घर में ऐसा किया करते हैं लोग। खट्टा अगर आपने पहले ऑलरेडी खा करके रखा है तो आपको नशा थोड़ा सा कम होगा। ट्राई करें कि वैसे आंख बंद करके कुछ भी खा ना लें, बट अगर इन केस कभी हो जाता है कि गलती से भी हमने पी लिया कोई ठंडाई छाछ टाइप चीजें पी ली, तो आप घर से कुछ खट्टा खा, मीठे की जगह खट्टा खा करके जाएं, तो उससे असर जो होगा वो कम होगा। अब होली खेलने के लिए, जैसे कि बहुत घरों में होता है कि ग्रुप वाइज एक दूसरे के घर में जाते हैं लोग, कि एक जगह एक जना इकट्ठा हुआ, दो हुए एक के घर गए, फिर 3 हुए, फिर चौथे के घर गए, ऐसे करके हम क्या होते हैं कि बहुत जोश में होते हैं और हम बस घर में घुस जाते हैं, बैठ जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि सपोज हमारे यहाँ कोई आ रहा है, हमें नहीं पता कि कितना रंग लगा करके आएगा, क्या होगा। तो मेरी 8th टिप है, घर में जो भी, पहली बात तो जो महंगा सामान है, जो एक्सपेंसिव है, जो बहुत लाइट सामान जो तेरे टूट सकता है, उसको हटा के आप अंदर रख दें, ठीक है। और आपके रूम में कोई ऐसे नहीं घुसता, हॉल एरिया को आप रखे कि कम से कम सामान हो, और लाइक सोफे वगैरह हो गए तो ट्राई करें कि उनको किसी चादर वगैरह से रैप कर दें, जैसे कि अगर डायरेक्टली आकर के कोई बैठता भी है तो आपका जो सामान है वो खराब नहीं होगा। तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखें घर में, ये सबसे 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 ज्यादा परेशानी होती है कि हमारा सोफा खराब हो गया, हमारी टेबल पर ये लग गया, और फिर उसको रगड़ रहे हैं साफ कर रहे हैं, नहीं होता है क्योंकि वो रंग इतनी जल्दी नहीं जाते, और किसी चीज को ज्यादा ज्यादा एक टाइम में बहुत ज्यादा साफ करने से वो चीज खराब होने के चांसेस होते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और रही बात ब्यूटी से लेकर के, तो वही है कि आपको ऑयल वगैरह लगाना है लिप्स वगैरह पर, अच्छे तरीके से आप उसको कोटिंग करके जाएं, जिससे कि आपको कलर्स वगैरह ना लगे। हमारी ये जो बॉडी होती है ये हमको खेलते टाइम तो बहुत अच्छी लगती है, हम खेल रहे, बट जब हमको सफाई करनी होती है तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। अभी हो गया होली खेलने का बात, घर का भी ऑलमोस्ट हो ही गया। इस तरीके से ही, मतलब घर का तो मेन है कि घर का सारा सामान अंदर रखें, और सोफे वगैरह या जो भी कुछ है बड़ा सामान उसको ढक करके रख दें। अब बात आती है, जब होली खेल लिया तो अपने आप को साफ कैसे करें, भाई रंग तो लगा ना। बेशक से हमने कुछ भी कोटिंग कर लिया बट रंग तो लगा है, ऐसा तो नहीं है कि हट जाएगा एक बारी में, तो हमें उसे साफ करना है। तो डायरेक्टली साबुन ना लगाएं बॉडी पर, लाइक बॉडी वॉश या सोप या जो भी कुछ यूज करते हैं वो ना लगाएं, पहले आप दही और शहद से ही
ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा उसी से नहाएं साबुन लगाने से पहले। डायरेक्ट अगर आप सोप यूज करेंगे तो आपकी जो स्किन है बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगी, सप्पल नहीं रहेगी, तो पहले उससे आप साफ करें। अगर आपको बहुत ज्यादा आप स्किन को लेकर कॉन्शियस हैं, उसके बाद थोड़ा सा बेसन लेकर के उबटन टाइप्स का कर लें। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता ये सारी चीजें, 5-5 मिनट का टाइम होता है, क्योंकि साबुन को लगा करके और छत पर बैठ करके रगड़ना 15 मिनट से फार बेटर है कि ये सारा काम करें, उससे आपकी बॉडी का फेशियल और बालों का स्पा भी हो जाएगा। तो पहला दही में हनी मिला करके एक बारी उसे मसाज करें, आधा कलर निकल जाएगा। उसके बाद बेसन लेकर के उबटन करें तो वो निकल जाएगा। अगर उसके बाद आपको लगता है कि कुछ बचा है तो सोप लगाएं, अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि सोप को छोड़ दें, ना लगाएं, इनसे ही आपका कलर निकल जाएगा। तो यस, यही कुछ 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 चीजें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। और दूसरी एक और बात, जो आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहन रहे हैं उसके साथ जो हमारा बाल है, ट्राई करें अगर आप स्कार्फ यूज कर लें। स्कार्फ यूज करेंगे तो जो थोड़ा बहुत जो डैमेज होने का चांसेस होते हैं वो भी ना रहेंगे। खुले बाल ना रखें कभी, किसी ने गलती से, स्किन केयर नहीं, नॉर्मली सेफ्टी के लिए भी गलती से खिंच गया, किसी चीज में अटक गए आपके बाल, तो आपको दर्द होगा, आपको दुखेगा वो चीज। तो ट्राई करें, हाई बन बनाएं आप और कवर कर लें बाल को, तो थोड़ा सा डैमेज आपको कम होगा। और यस, ये ही सब मुझे बताना था। इसके अलावा अगर कोई टिप है जो आप लोगों को मेरे साथ शेयर करनी है तो प्लीज डू डू शेयर। एंड यस, हैप्पी होली टू एवरी वन, हैप्पी 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 होली। एंड बहुत अच्छे तरीके से खेलिएगा, अच्छा अच्छा खाना बनाइएगा, खाइएगा, मजे करिएगा, किसी को हार्म मत पहुंचाइएगा, और ट्राई कीजिएगा कि बस खुशियां दो, खुशियां लो वाला हिसाब रखें। और यस, इसी तरीके से मैं मिलती हूँ किसी दूसरे वीडियो में आप लोगों के साथ। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो डू शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली फ्रेंड्स, वेर एवर यू वॉन्ट टू शेयर। एंड यस, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट रियली रियली मीन्स अ लॉट टू मी। एंड